में सुधार हो, निश्चित रूप से सुधार हुआ, स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था सुधरी, लेकिन पारा शिक्षकों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। आज तक जो उनकी मांग है स्थायीकरण की, वह तो नहीं हुआ, उन्हें मानदेय भी इतना विलम्ब से मिलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। फिर अगर हम बात करें तो पारा शिक्षक आप देख सकते हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय का जो नीलाम्बर पीताम्बर पार्क है वहाँ पर एक भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको यहाँ बताया कि 17 महीना होने को है इन्हें मानदेय नहीं मिला, वह मानदेय इनके घर परिवार चलता है, आज इन्हें भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो पारा शिक्षक है उनसे बात करते हैं, इतना दिन हो गया, पहले मुझे बताइए कि आपकी लोग के कारण स्कूल की कैसी व्यवस्था में सुधार हुआ, हमारी स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है। आए दिन आप देखते होंगे, आप लोग राष्ट्र के चौथे स्तंभ हैं, आप ही हमारी आवाज हैं, आए दिन देख रहे हैं कि हमारे कई साथी काल के काल में समाते चले गए और यह लगातार अनवरत जारी है, क्योंकि आज के युग में अगर अर्थव्यवस्था की नहीं है तो समस्या है। अब बताइए, एक दो महीने से जिसका मानदेय नहीं भुगतान होता है कैसे स्थिति होती है, और यहाँ दो वर्ष होने को है, 17 माह, कल्पना कीजिए 17 माह से जिसको मानदेय भुगतान नहीं हुआ हो, उस व्यक्ति का घर परिवार कैसा चलेगा। आज शिक्षक दिवस का ढिंढोरा सरकार के लिए, शिक्षक को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों से आज कई शिक्षकों को सम्मान भी मिलने वाला है, और वही एक शिक्षक का अंग जो है आज सड़क के किनारे धूल फांक रहा है और भूख हड़ताल करने को दिवस है, दर दर पील पील कर मर रहा है वह, यह एक गंभीर समस्या है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी हम सबों का सहयोग हो और जितना जल्दी हो मानदेय का भुगतान कराया जाए, ताकि जो भी कम से कम अभी शिक्षक बचे हुए हैं वो काल के काल में न समाए। सही बात है, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक सम्मान की बात दोहराई जा रही है, लेकिन यह सम्मान है अपमान का, सम्मान है अपमान। सब बढ़िया, आज सम्मान का दिन है, लेकिन जो अभी वर्तमान की सरकार है इन अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ पूरी तरह से घोर अन्यायपूर्ण काम कर रही है, जो अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित अन्यायपूर्ण अपमानजनक है। हम सरकार से बस यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार इन अप्रशिक्षित शिक्षकों का जो 17 माह से मानदेय का बकाया है वो एक मुफ्त भुगतान करे, ताकि इनके भी बाल बच्चे भूख से न व्याकुल हों, न मरे, सड़क पर धूल फांकने पर दिवस न हो। सही बात है, जो इनके बच्चे हैं जिससे बच्चों को शिक्षित करते हैं, लेकिन इनके बच्चे ये नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें मानदेय नहीं मिला, उसी मानदेय के भरोसे आजीविका चलती है, घर परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन जब जिस शिक्षक का 17 महीने का मानदेय बाकी रहेगा तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। अवे मत कीजिए, हम लोग को 17 माह से वेतन नहीं मिला है, और सरकार की ओर से हम लोग से काम भी लिया गया, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम काम लेंगे और न हम परमेंट देंगे, और हमसे काम भी लिया गया, यहाँ तक कि चुनाव का प्रक्रिया जो भी चुनाव होता है उसमें भी काम लिए, स्कूल भी कराया जा रहा है, प्लस हम लोग को आज तक जो है पैसा वेतन के रूप में जो अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है एकदम आर्थिक स्थिति के कगार पर हैं, बाल बच्चा जो है भूखे मर रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हम लोग भोजन ढंग से चुरा पा रहे हैं और न कपड़ा दे पा रहे हैं, और न हम लोग अपना बीमारी का भी मैंने इलाज करा पा रहे हैं, मैंने हम लोग के साथ मैंने समस्या पर ही समस्या है, और सरकार का जो है फरमान जो है अलग है, सरकार का कहलाम है कि ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है, तब यही है। इसमें जो है हम आप लोग से भी मैंने ये कहते हैं कि आप लोग भी इस पर थोड़ा गौर करके हम लोग को जो है जो मांग है जो हम लोग का 17 महीना से जो वेतन ही है उसमें जो है आपका भी मैंने ही रहे सहभागिता, ताकि हम लोग को और मिल सके। हमारा निश्चित रूप से हम भी आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ हमें 17 महीना से वेतन नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है, और इसके बाद में हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर किए हुए हैं, यह समझा जा सकता है 17 महीना से मानदेय नहीं मिलना अप्रशिक्षित के नाम पर सरकार की नीति से हम लोग जो है मारे जा रहे हैं। आज पोर्टल नहीं खुलने के कारण हमारे बहुत से सारे साथी 50% 45% इंप्रूवमेंट कर लिए हैं,
लेकिन पोर्टल एनआईओ का नहीं खुलने के कारण आज हमारा एनसी नहीं हट पा रहा है। हम चुनाव जैसे कार्य कर रहे हैं, विद्यालय में काम कर रहे हैं, सारे कुछ साथी हमारे विद्यालय प्रभार में भी, विद्यालय का सारा प्रभार का काम कर रहे हैं, सारा वर्क कर रहे हैं, काम करने के बावजूद पेमेंट नहीं देना, मानदेय नहीं देना, आखिर क्यों? मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कि काम के बदले आप मानदेय को क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको क्यों रोक कर रखे हैं? भूख हड़ताल आज आप कर रहे हैं, दिक्कत की बात है, सम्मान की जगह अपमान वाली बात है। हड़ताल के बाद भी अगर किसी बदलाव नहीं है तो किया जाएगा, हम लोग आपको दाह करेंगे। अगला चरण जो होगा डू और डाई, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी लोग मर रहे हैं, हमारे साथी मर रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोग मर रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप विदा कर लेंगे सरकार के सामने। जब सरकार की यही इच्छा है होगी तो क्या किया जाएगा? सही बात है, दिल की कसक है, दर्द है, दर्द पर मरहम लगने की जगह उसे कुरेदा जा रहा है। 17 महीने से मानदेय नहीं मिला है, घर की माली हालत खराब हो गई है, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन वह शिक्षक जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो आज सड़क के किनारे अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने जब उनसे पूछा कि आप भूख हड़ताल के बाद भी अगर स्थिति में बदलाव नहीं होता है, आपका मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इनका सीधे रूप में कहना है कि हम अस्पताल कर रहे हैं। आखिर हम और हमारा परिवार ऐसे भी मर ही रहा है, क्यों ना हम जान दे दें ताकि सरकार को तब भी कुछ गलानी महसूस होगी और सरकार उसके बाद और जो प्रतिशत बचेंगे वह कम से कम जीवित रहेंगे। लेकिन हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल के बाद हमारा अगला कदम होगा कि हम अस्पताल कर लेंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से देखती है और 17 महीने का जो मानदेय है उसका भुगतान करती है और आगे से जो उनका मांग स्थायीकरण का भी है उसको नियमित करती है। आपकी संजय दास न्यूज़ धन्यवाद।